पिछला जो हमारा इंडियन मॉनसून का वीडियो था वो हमारा पार्ट वन था, जिसमें बेसिकली हम लोगों ने नॉर्थ ईस्टर्न मॉनसून या फिर हमारे रिट्रेटिंग मॉनसून के बारे में पढ़ा था। आज का जो हमारा वीडियो रहेगा उसमें हम लोग साउथ वेस्टर्न मॉनसून के बारे में पढ़ेंगे। मैं आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अगर इस वीडियो से पहले आपने नॉर्थ ईस्टर्न मॉनसून का वीडियो नहीं देखा है तो पहले प्लीज उस वीडियो को जाकर देखिए। उस वीडियो को देखने के बाद ही आपको ये साउथ वेस्टर्न मॉनसून जो है ज्यादा अच्छे से क्लियर हो पाएगा। तो पिछला जो हमारा नॉर्थ ईस्टर्न मॉनसून का वीडियो था उसमें बेसिकली हम लोगों ने ये बताया था कि ये जो आपकी नॉर्थ सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम है ये बे ऑफ बंगाल में आकर किस तरह से बेसिकली तमिलनाडु में बारिश करवाती है। अब हम लोग इसके आगे चलते हैं एंड हम लोग साउथ वेस्टर्न मॉनसून की बात करते हैं। सी यहां पर देखिए कि जब नवंबर दिसंबर जनवरी के आसपास जब तमिलनाडु में बारिश होती है तो उस टाइम पे जो सन है वो सदर्न हेमिस्फीयर पे होता है और 14 जनवरी के बाद जो सन है वो हमारे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से ऊपर उठकर इक्वेटर तक आता है एंड 21st of March वो डेट होती है जब सन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से इक्वेटर से ऊपर उठकर नदन हेमिस्फीयर की तरफ बढ़ता है। मैंने आप लोगों को पिछले जो बेसिक वीडियो थे उसमें ITCZ के बारे में एक कंसेप्ट छोटा सा बताया था, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन। सन के सामने के पैरलर का 10 डिग्री लैटिट्यूड का वो रीजन जहां पर प्रेशर सबसे ज्यादा लो होता है या सबसे ज्यादा गर्म रीजन होता है उसे हम लोग ITCZ बोलते हैं, जो ट्रॉपिकल जोन में बेसिकली शिफ्ट होता जाता है। अगर सन नदन हेमिस्फीयर में है तो ITCZ भी सन के साथ नदन हेमिस्फीयर में शिफ्ट हो जाएगा। अगर सन सदर्न हेमिस्फीयर में है तो ITCZ जो है सदर्न हेमिस्फीयर में सन के साथ सदर्न हेमिस्फीयर में शिफ्ट हो जाएगा, राइट। अब 21st of March के बाद जब सन अर्थ के नदन हेमिस्फीयर की तरफ जाता है तो ITCZ भी सन के साथ साथ नदन हेमिस्फीयर की तरफ जाता है। अब जब सन नदन हेमिस्फीयर की तरफ शिफ्ट होना शुरू होता है तो हमारा जो ITCZ है, वो करीबन 20 डिग्री लैटिट्यूड पर शिफ्ट हो जाता है। अब ये जो ITCZ है एट द एंड ऑफ द डे 25 डिग्री लैटिट्यूड पर एस्टैब्लिश होना चाहता है। क्यों? क्योंकि जब ITCZ या सन के सामने वाला पैरेलल रीजन 25 डिग्री लैटिट्यूड पर एस्टैब्लिश होगा उसी वक्त इंडियन सब कॉन्टिनेंट में टेम्परेचर हाइएस्ट होगा और प्रेशर लोएस्ट होगा। जब तक इंडियन सब कॉन्टिनेंट में लोएस्ट प्रेशर नहीं आएगा तब तक जो सदर्न हेमिस्फीयर से हाई प्रेशर की विंड है इंडिया की तरफ अट्रैक्ट नहीं होगी और मॉनसून शुरू नहीं हो पाएगा इंडिया में जून जुलाई वाला। लेकिन ये जो ITCZ है ये 20 डिग्री से ऊपर उठकर 25 डिग्री पे कभी एस्टैब्लिश हो ही नहीं पाता है। क्यों नहीं हो पाता है? क्योंकि यहां पर साउथ सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम ऑलरेडी बैठी हुई है और साउथ सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम जो है वो पोलर जोन से ओरिजिनेट हुई थी। तो यहां पर हमें साउथ सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम की ठंडक और ITCZ की जो गर्माहट है उसको कंपेयर करना है और कंक्लूजन हमारा ये निकलता है कि साउथ सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम की जो ठंडक है वो आपकी ITCZ की गर्माहट से ज्यादा है। तो ITCZ खुद के बलबूते तो साउथ सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम को 25 डिग्री लैटिट्यूड से नहीं हटा सकता, लेकिन ITCZ का 25 डिग्री लैटिट्यूड पर जाना भी जरूरी है, तभी इंडिया में प्रेशर लो होगा और बारिश होगी। तो हमारे पास सिर्फ एक ऑप्शन रह जाता है कि अगर आपको साउथ सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम को 25 डिग्री लैटिट्यूड से हटाना है तो आपको साउथ सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम को इंडियन सब कॉन्टिनेंट के कंपेरिजन में और ज्यादा लो प्रेशर किसी और रीजन में प्रोवाइड करवाना पड़ेगा। वो और ज्यादा लो प्रेशर जो है हमें प्रोवाइड करवाता है तिब्बतन प्लेटू। अब ये जो आपका तिब्बतन प्लेटू है इसकी जो लेंथ है वो 2000 किलोमीटर के आसपास है, विथ भी आपको इसकी 800 किलोमीटर के आसपास दिख जाएगी, हाइट भी आपको इसकी 4000-5000 मीटर के आसपास दिख जाएगी, जो एक कॉन्टिनेंटल प्लेटू है। अब ये इंडियन सब कॉन्टिनेंट के ग्राउंड लेवल से बहुत एल्टीट्यूड पर है तिब्बतन प्लेटू, तो सनरेज जो है वो तिब्बतन प्लेटू पर बहुत ज्यादा पड़ती है, यानी तिब्बतन प्लेटू में जो टेम्परेचर है इंडियन सब कॉन्टिनेंट के कंपेरिजन में ज्यादा हो जाता है, ठीक है। तो वहां पर लो प्रेशर क्रिएट होने के चांसेस हैं। इसके अलावा एक और रीजन है, इस तिब्बतन प्लेटू में एक मिनरल पाया जाता है जिसका नाम है एम्फिक्योलोटिक ग्रेनाइट। अब ये जो एम्फिक्योलोटिक ग्रेनाइट है
ये बहुत ज्यादा सनरेज अब्सॉर्ब करता है, बहुत ज्यादा हीट अब्सॉर्ब करता है। इन दोनों रीजन की वजह से कि एक तो तिब्बतन प्लेटू बहुत लंबा चौड़ा और ऊंचा है और एम्फिकलोटिक ग्रेनाइट यहां पर पाया जाता है, इन दो कारणों की वजह से तिब्बतन प्लेटू का जो टेम्परेचर है इंडियन सब कॉन्टिनेंट के कंपैरिजन में ज्यादा हो जाता है, प्रेशर लो हो जाता है। जैसे ही यहां पर लो प्रेशर ज्यादा क्रिएट हो जाता है इंडियन सब कॉन्टिनेंट से, तो साउथ सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम अपने 25 डिग्री लैटिट्यूड से री एस्टैब्लिश होकर, रिप्लेस होकर तिब्बतन प्लेटू की तरफ बढ़ जाती है, और जैसे ही ये 25 डिग्री लैटिट्यूड का एरिया खाली होता है, ITCZ जो है 20 से 25 डिग्री लैटिट्यूड पर एस्टैब्लिश हो जाता है। अब जैसे ही ये 20 से 25 डिग्री लैटिट्यूड पर एस्टैब्लिश हो गया, यहां पर साउथ सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम की जगह ITCZ आ जाता है, तो इंडिया में हाईएस्ट टेम्परेचर और लोएस्ट प्रेशर यहां पर डेवलप हो जाता है। अब यहां पर एक बात ध्यान रखिए कि इंडिया में लोएस्ट प्रेशर है, लेकिन अगर आप सदर्न हेमिस्फीयर की तरफ जाते हैं तो यहां पे तो सर टेम्परेचर बहुत कम है ना, क्योंकि यहां पर तो इस वक्त ठंड है, क्योंकि इंडिया में गर्मी है तो ऑस्ट्रेलिया में तो ठंड रहेगी ही रहेगी, नदन सदन हेमिस्फीयर का फर्क है। और यहां पे प्रेशर बहुत ज्यादा हाई हो गया, प्रेशर यहां पे हाई हुआ है तो यहां पे हाई प्रेशर विंड्स जनरेट होंगी, और हाई प्रेशर विंड्स जो है वो हमेशा लो प्रेशर रीजन की तरफ जाती है ताकि वहां पर मॉनसून करा सके, लो प्रेशर का जो वैक्यूम है उसे फिलअप कर सके। अब ऑस्ट्रेलिया के आसपास आपको सिर्फ पानी ही दिखेगा, यहां पर आपको इंडियन ओशन देखने को मिलता है, यहां पर आपको अटलांटिक ओशन देखने को मिलता है, यहां आपको सदर्न ओशन देखने को मिलता है, यहां आपको पैसिफिक ओशन देखने को मिलता है। तो जितनी भी हाई प्रेशर की विंड्स हैं वो बेसिकली कहां अट्रैक्ट होती हैं, इंडिया की तरफ अट्रैक्ट होती हैं। इन विंड्स को हम लोग ट्रेड विंड्स बोलते हैं। ट्रेड विंड्स क्यों बोलते हैं, क्योंकि बहुत सालों पहले लाइक 14th-15th सेंचुरी के आसपास जब इंडियन सब कॉन्टिनेंट की डिस्कवरी हुई थी, उस टाइम पे जब व्यापार शुरू हुआ था, ट्रेड शुरू हुआ था यूरोपियंस का इंडिया के साथ, तो हमें रास्ता नहीं पता था, तो इन्हीं विंड्स का डायरेक्शन फॉलो करते हुए जो बड़े बड़े शिप्स हैं वो इंडियन सब कॉन्टिनेंट में पहुंचते थे और उन्हीं के थ्रू ट्रेड होता था, इसीलिए इन विंड्स को ट्रेड विंड्स कहा जाता है। अब ये जो ट्रेड विंड्स हैं इन्हें फिलहाल के लिए हम लोग साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स कहेंगे, क्यों, क्योंकि आप ग्लोब के पूरे में देखते हो तो साउथ ईस्ट से जनरेट हो रही हैं। जैसे ही ये साउथ ईस्ट ट्रेड विंड इक्वेटर को क्रॉस करती हैं, तो यहां पर कोरियोलिस फोर्स फिर से अपना काम करती है। कोरियोलिस फोर्स जिसके बारे में मैंने आपको पहले बताया था, जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में किसी भी दूसरी विंड को राइट हैंड साइड में मोड़ देती है। अब जैसे ही ये कोरियोलिस फोर्स इन विंड्स को अटैक करती है, ये राइट हैंड साइड में मुड़ जाती हैं और केरला से सबसे पहले टकराती हैं, और जून के मंथ में केरला में ये बारिश कराती हैं, और यही वाला जो हमारा मॉनसून होता है जो केरला से स्टार्ट होता है जून जुलाई अगस्त सितंबर तक जाता है, इसे ही हम लोग साउथ वेस्ट मॉनसून ऑफ इंडिया कहते हैं। और साउथ वेस्ट मॉनसून क्यों कहते हैं, क्योंकि इंडिया के साउथ वेस्ट से स्टार्ट हो रहा है, केरला से स्टार्ट हो रहा है। So, इससे पहले के पार्ट में मैंने आपको नॉर्थ ईस्टर्न मॉनसून का कंसेप्ट बताया था, ये हमारा साउथ वेस्टर्न मॉनसून का कंसेप्ट है। इस मॉनसून का एक और छोटा सा पार्ट हम लोग लेकर आएंगे जिसमें मैं आप लोगों को ये बताऊंगा कि केरला से होते हुए पूरे के पूरे इंडिया में किस तरह से बेसिकली मॉनसून जो है वो फैल जाता है, और थोड़े बहुत हम लोग प्री मॉनसून शार के बारे में भी बात करेंगे। अगर आप मॉनसून का नेक्स्ट वीडियो देखना चाहते हैं और दूसरे सब्जेक्ट्स के वीडियोस भी अगर आप हमारे यूट्यूब पे देखना चाहते हैं, सो यू हैव टू सब्सक्राइब आवर चैनल एंड शेयर इट एज मच एज यू कैन। थैंक यू वेरी मच, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।